ओम शांति। हम दीदी से प्रश्न पूछ रहे थे कि सभी आत्माओं को प्रश्न होता है ना कि अभी गुलजार दादी कहाँ है, राइट? गुलजार बाती वतन में है, कहाँ है? तो गुलजार दादी का पाठ किस तरह से है, तो हमने दीदी को प्रश्न पूछा था। तो दीदी बताइए। अभी क्या है कि जो तब तक बाबा ने हमको अपने शब्दों में खुद नहीं बताया है, तब तक हम सबकी इमेजिनेशन चलती है। जैसे श्री कृष्ण के बारे में किसी ने 10 साल पहले, 15 साल पहले, श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, श्री कृष्ण ये, तो फिर बहुत कंफ्यूजन होता है। बाबा ने कभी ये कहा नहीं, फ्यूचर नहीं बताया। बाबा ने ये कहा, ड्रामानुसार जैसे जैसे सीन खुलता जाता है, तुम बच्चे वो फिल्म देखते जाओगे। तो जब जब तक बाबा ने हमको, जैसे मामा ने शरीर छोड़ा था, तो कुछ समय तक, मैं समझती हूँ 1.5 ईयर तक, तो बाबा ने कहा कि मामा को अभी वतन से ही सेवा करनी है, जब तक उनको नया पार्ट प्ले करें। तो मामा, हमको ये मालूम था कि अभी वतन में मामा विराजमान, बाबा के साथ जा तो वतन से ही सेवा करनी है। जब यही कहा है तो बराबर क्या मतलब है वतन में मम्मा ने? तो इस तब तक हमको पता रहा कि मम्मा ने नया जन्म नहीं लिया है। फिर बाबा ने कहा कि मम्मा ने अभी जन्म ले लिया है। तो अभी जब जब ये हुआ कि मम्मा ने जन्म लिया है, तो कहाँ लिया? बहुत इमेजिनेशन भाई, कहा कि राजा तो बड़े ऊंचे घर में जन्म लेंगी, राजाई कुल में जन्म लेंगी। तो यहाँ तक कि कोई नेपाल में भी गए मामा से को ढूंढने के लिए। अब शरीर भी नया, ड्रेस भी चेंज हो गई, एड्रेस भी चेंज हो गया, रोल भी चेंज हो गया, कंपनी भी नई हो गई। हमारे पास तो एड्रेस है ही नहीं, तब तो किस हिसाब से कहें? और ड्रेस भी तो वही नहीं रही। तो ये तो नहीं कि मम्मा के फोटो से मिलता कोई देखे जाए। तो ये बाबा ने इस बात को गुप्त रखा है ताकि हमारे संकल्प ऐसे ना चले जिसमें हमारा टाइम कम्युनिकेशन में इमेजिनेशन रहे। क्यों नहीं हम नेचुरल रीति से ऐसा पाठ बजाएं, ऐसा अखी ऊपर के देखें। तो फिर जब अपने अपनी दादी ने बाकी जितने भी शरीर जिसमें छोड़े, किसी का नहीं बाबा ने बताया, सिर्फ दीदी का ये कहा था, दीदी मनमोहिनी जी का, कि जितने समय तक वो कॉन्शियस नहीं थी, तब तक उनके उसकी तैयारी कर। तुम सब जो है जन्म लेने वाली आत्मा का जो नया शरीर है वो भी प्योर होना चाहिए। तो सब योग की भट्टी के वाइब्रेशन से और दीदी के अपने योग के बल से जाने से पहले वो जिस शरीर में प्रवेश कर रही हैं उस प्रकृति की भी शुद्धि हो। इसीलिए वो इतने समय तक दीदी शरीर नहीं छोड़ा और वतन में ही रही, पर थोड़े दिन की बात थी। अच्छा, फिर दादी जी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने फौरन बताया कुछ महीने के बाद कि उन्होंने एक लड़के के रूप में जन्म लिया है। और एक बार बुलाया भी था, नहीं जन्म लिया लड़के के रूप में, कुछ ऐसा ही बताया था। तो अभी कहाँ लिया? एड्रेस नहीं। तो हमारे व्यर्थ संकल्प न चले। बाकी ये था कि जन्म लिया है नए रोल के लिए, नए पाठ को शुरू करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। अच्छा, अभी गुलजार दादी के लिए, जानकी दादी के लिए भी खुले शब्दों में नहीं बोला, पर जन्म जरूर लिया है, क्योंकि जो आत्माएं गई हैं उनको आगे सेवा करनी है। परंतु सेवा जो करनी है वो सेवा ज्ञान सुना के नहीं करनी है, ज्ञान स्वरूप बन के करनी है। जैसे सतयुग में हमको ज्ञान नहीं रहेगा ना, याद नहीं रहेगा, पर हमारे संस्कार जो हैं वो कर्तव्य करेंगे। हमारे संस्कार ही वहां पर व्यवहार, संस्कार अनुसार ही हमारा व्यवहार है, संस्कार अनुसार ही हमारा संबंध है। आपसी हार्मनी के वाले संस्कार, पवित्र संस्कार, शुभ भावना वाले नेचुरल संस्कार आप वाली आत्मा, तो
इकट्ठी होंगी। अच्छा अब श्री कृष्ण को जन्म भाई कहाँ होगा, वो राजकुमार के रूप में जन्म लेगा, तो राजकुमार कोई राजा तो इसके बाद बनने वाले नहीं, तो कौन राजकुमार उनको क्यों कहा, उनके पेरेंट्स को ताज वाला राज नहीं मिलेगा। जो भी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनकी धारणा, उनका जीवन, उनका वृत्ति व्यवहार इतना श्रेष्ठ होगा जो दूसरी आत्माएं उनको ऐसा मानेंगी जैसे ये हमारे दिल को संतुष्ट करने वाले, हमारी पालना करने वाले, हमको शक्ति से संबंध देने वाले ये महान आत्मा है। तो जैसे उनके राजा है श्री कृष्ण को राजकुमार कहते हैं, पर माँ बाप तो राजा नहीं थे। श्री कृष्ण पहला प्रिंस है और प्रिंस है तो माँ बाप साधारण होंगे ना, बिना ताज के राज श्री कृष्ण के माँ बाप को लिए। ताज वाला श्री कृष्ण भी जब नारायण बनेगा तब राजा कहलाएगा, तब प्रिंस कहलाएगा। तो बाबा ने कहा इसलिए श्री कृष्ण श्रेष्ठ है जन्म में, क्योंकि बिल्कुल सत्व प्रधान प्रकृति है। अभी वाली जो आत्माएं हैं उनकी प्रकृति जितनी वो सत्व प्रधान बना के गए शरीर के साथ हिसाब किताब उतना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि तत्वों की पूजा होती है तो तत्व पवित्र बनती है, तो पूजनीय यादगार बनी हुई है। तो जो यहाँ से आत्माएं गई उन्होंने अपने पांचों तत्व को, पांचों तत्व द्वारा जो शरीर के अंग हैं उनको इस तरह से यूज किया है, वृत्ति में भी शुद्ध सने और वाणी में भी मधुरता, व्यवहार में भी सने सम्मान, खान पान में भी सत्व प्रधान, तो प्रकृति के साथ उनका सदा मेल रहा है। ऐसे नहीं कि इच्छाओं के गुलाम हो गए, इसलिए सात्विक खाना, सात्विक रहना, सात्विक व्यवहार, सत्व प्रधान व्यवहार, उससे उनकी ये प्रकृति यहाँ बेशक पुराना हिसाब किताब चुक तो किया, परंतु उनके जीवन की धारणा से उनकी प्रकृति शुद्ध हुई है। पीछे हमारी ये प्रकृति दृष्टि में गुस्सा, जिभा में लोभ, देहभान में मोह, बुद्धि में अहंकार भरते 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 आत्मा खोटा सोना बन गई, और सतयुग में जैसा सोना वैसा जेवर होगा। तो जैसा सोना वैसा जेवर होगा यानी वैसा शरीर मिलेगा, तो ये जो आत्माएं सत्व प्रधान परमात्मा की बन के गई तो इनका सोना शरीर भी सत्व प्रधान होगा ना, तो शरीर रूपी गहना सुंदर होगा परंतु रोल प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा, रोल अभी सत्व प्रधान रहेगा, क्योंकि वो जो नया रोल है उनकी धारणा के आधार से भविष्य बन रहा है। और वो आपस में मिल करके ऐसी जैसे राजधानी कॉलोनी स्थापन करते हैं अथवा कम्युनिटी बनाते हैं, तो वो मिल करके जो कम्युनिटी तैयार करते हैं वो थोड़ी पब्लिक 9 लाख 16 हजार 108, तो अभी है तो बाबा के बच्चे तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं, सब प्रकार से उनका बुद्धि होती गई। तो अब जैसे वो जो गुजार साली गई, अभी गई कहाँ गई ये बाबा नहीं बताया हमको, जब हमको बताया ही नहीं तो उनकी ड्रेस भी चेंज हो गई, हम पहचान तो नहीं सके, एड्रेस भी चेंज हो गया हमारे पास नहीं है, रोल भी चेंज हो गया, अभी मम्मा वाला रोल नहीं है, गुजार साली वाला व्यक्त इंस्ट्रूमेंट बन करने का रोल नहीं है, नया रोल हो गया। तो वो माँ बाप जिनके घर में गई, अगर गई जिस जिस स्थान पर उनके वही वातावरण उनको महसूस होगा, तो पुरानी दुनिया में जन्म नहीं है। जैसे कल बाबा ने कहा कि तुम ये शरीर जो तुम्हारा है ये लास्ट जन्म है, तुम ब्राह्मण अगर संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारा दुख के जन्म में नया जन्म नहीं होता, तो कल युग में जन्म नहीं लोगे, कल की मौत नहीं लोगे, सब सतयुग में जन्म लोगे। तो हमारा युग वो उसी आत्मा उसी वातावरण में जन्म लेगी जहाँ दुख का वातावरण नहीं, विकार का वातावरण नहीं, प्रकृति सत्व प्रधान है पर ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान याद हो गए
पिछला जन्म याद आएगा। तो दीदी जब इस तरह से जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाँ, परिवर्तन होगा, तो जो सतयुगी दुनिया जैसे बाबा कहते हैं उस प्रलय तो नहीं होता है, तो वो परिवर्तन होती है। तो जब जैसे कि आपने अभी बताया कि सतो प्रधान आत्माओं का जो संगठन होता जाएगा और वो तमो प्रधान जो आत्माएं हैं, मतलब वो उनका और इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ, मतलब किस तरह से वो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फिर होगा? तो ट्रांसफॉर्मेशन वृत्ति में, भावना में, व्यवहार में, और देश के उद्धार में, कल्याण में, राजा का जो कार्य होता है वो हमेशा दूसरे को सुख देने का होता है। राजा का जो कार्य है हर चीज को परफेक्ट और बेस्ट बनवाने का होता है। तो उनके अंदर वो संस्कार जो गए हैं, ऐसी संस्कार वाली आत्मा होती वो कम्युनिटी होगी, और वही कम्युनिटी पीछे राजधानी का फाउंडेशन बन जाती है। विनाश तो पूरा होता नहीं। तो दीदी जब ही कहते हैं ना कि सतयुग की पहली पहली संख्या जो है वो 9 लाख है, हाँ, मतलब जब तक सतयुगी आत्माएं 9 लाख आत्माएं, मतलब मुझे समझ आ गई इसका, 9 लाख आत्माएं, पवित्र आत्माएं जब तक सृष्टि पर नहीं होगी, तब तक फिर लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन नहीं होगा, वो कैसे है, मतलब ऐसे क्यों कहा है? तो अभी इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि गेट तो तुमको खोलना, समय तो तैयार है। तो वो आत्माएं होंगी तो यहीं पर, परंतु कुछ आत्माएं अभी भी नहीं, यानी जो तैयार हैं वो भी माला का मणक, माला तो अभी नहीं बनी है। बाबा ने मणके तैयार करे तो जैसे बास्केट में मालक मणके पड़े हो, है माला के मणके, परंतु माला में पिरोए नहीं जब तक कि दो दोनों आत्माएं, जब तक दोनों धागे साथ न मिले, आदि वाला और अंत वाला, यानी संस्कार दोनों के एक समान होंगे। परंतु जो पुरुषार्थ का प्रलब्ध है, फाउंडेशन वाली बात पक्की, वो संस्कार वाली आत्माएं, वो अभी सतयुग में आने वाली हर एक के अंदर पवित्रता होगी, श्रेष्ठता होगी, परंतु जो जमा किया हुआ होगा वो नंबर वार होगा। इसीलिए वो जो फिर उतरेंगे जब जो नहीं राज लेंगे ना, वो नंबर अनुसार लेंगे, इसलिए नंबर बन गया। परंतु तैयार हुई हुई है, पर बाबा कहते नहीं माला तैयार नहीं हुई है, सब एक जैसे संस्कार वाले, जहाँ हमारे संस्कार मिलेंगे तो वहाँ संस्कार मिलेंगे। तो हमको ही होता है सतयुग की दुनिया तैयार करनी। दीदी अभी क्या होता है कि जो नई नई आत्माएं आती हैं, उनको ये प्रश्न रहता है, ये मूंछ रहती है, क्योंकि अभी हमारे पास तो इतना पुरुषार्थ करने का समय नहीं है जितना दादियों के पास था या आपके पास था। तो बाबा फिर भी कहते हैं कि आप अभी भी फास्ट सो फास्ट सो फास्ट आ सकते हैं, तो लेकिन फिर भी आत्माओं की जो धारणा करने की, आज की आत्माओं में जो धारणा करने की कैपेसिटी है, जो जो कंपैरेटिवली हम देखते हैं, तो उनको पुरुषार्थ काफी लगता है। अभी वास्तव में उनका उत्साह बाबा के गुरु राइट, हर एक लास्ट तो फास्ट जा सकते हैं, जा सकता है परंतु जावे ना जा सकता है पर जावे। अभी तो संस्कार ही इतने सेंसिटिव समझो, जो क्यों कि अभी तक तो वो फाउंडेशन के पत्ते तो बन गए हैं, पर फाउंडेशन में बैठ जाओ समझे ना। पत्ते क्या है, हवा चली बहुत अच्छी तरह से हिले जुले, शोभा बहुत अच्छी है, पर तो ताकत नहीं है। तूफान आया पत्ते गिर जाएंगे, जड़ नहीं गिरेगी। तो जब ऐसी आत्माएं इस अवस्था वाली बन जाए, वो सतयुग की आदि में जाएंगी, बाकी नए हैं, वो शोभा है घर की, वो ब्यूटी है, वो बेहद का परिवार है, वो जरूर वो परिवार वाली आत्माएं हम तो कहेंगे हमारे घर के बच्चे। तो दीदी जो ये बाबा 33 करोड़ आत्माओं की बात करते हैं, तो 33 करोड़ आत्माएं माना जिनको बाबा का संदेश मिलेगा? नहीं, जो देवता धर्म की आसमान के पीढ़ी में आने वाली है, हाँ, सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत, द्वापर के भक्त, नवी आत्माएं जो यहाँ से लेके गई तक पुरुषार्थ नहीं किया, और जो पहले सतयुग में जो आती है या त्रेता में जो आती है, उसके 4 आधार हैं दुनिया की। ओके, अच्छा, पहली बात है, यहाँ पहला
यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्धवा मिलती है right. पर किन से मिलती है? उन्होंने जो यहाँ पुरुषार्थ किया, जिनके साथ उनका संबंध पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त करनी है, तो अपने माँ बाप से किया तो उनके संस्कार और उनका हिसाब किताब गुणों का एक जैसा हो जाएगा। तो पहले ये कि जो आने वाली आत्मा है उनके नजदीक कितना है, उनके समझो राजा का बेटा है सेकंड, उनको मिलेगा तो अपने बाप से, परंतु पुरुषार्थ अपने आधार से मिलेगा राइट। तो उनका आपस में संबंध होगा ना, लेन बंधन वाला नहीं होगा। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध होगी पर वो निमित्त बनेगी। तो ऐसे ऐसे संस्कार वाला। फिर दूसरी चीज है कि वो माँ बाप से जो स्वर्ग वर्षा मिलता है, वो माँ बाप से नहीं मिलता है तो कोई कर्म का नया हिसाब किताब नहीं है। मिला है पर कोई कोई हिसाब किताब की बात नहीं है कि हमको चुक तो कराना है, परंतु उनसे मिल करके कार्य जरूर करना है। जो प्रकृति है वो एक जैसे सबको सुख देने वाली है। तो दूसरा आधार है उनको, उन्होंने प्रकृति कितनी सत्व प्रधान बनाई है अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपनी कर्म इंद्रियों से प्रकृति कितनी जीत पाई, इतनी जीत पाई है। तीसरी बात है इस विकार जो है दूसरों के, उनसे उन पर कितनी जीत पाई है। चलो अपने से तो विकार खत्म किए पर कोई ने गुस्सा किया, मैं दुखी हो गया, कोई ने मेरा अपमान किया, मैं अभिमान में आया, मैंने भी अपमान किया। तो हमारे वो जो हमारी गुण है वो हमारे में शक्ति कितनी बनी, वो साधु सब अनुसार ही हम आत्माएं। पहली बात हमको जिन आत्माओं को राजभाग देना है उनसे हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, परंतु उनके संस्कारों के अनुसार हमारे संस्कार मिलने चाहिए। तो वो हमको राज, जैसे उनका राज हमको ट्रांसफर हुआ, आज जो है माँ कर्मों के हिसाब किताब से जन्म मिलते हैं, माँ कर्मों के हिसाब किताब, संबंधियों के हिसाब किताब से नहीं, अपने श्रेष्ठ कर्म से। परंतु क्या संबंध है, उनका बंधन नहीं है। तो जो आत्माएं सतयुग में हमारा आवाहन करेंगी वो विकार के वश नहीं करेंगी, मोह के वश नहीं आवाहन करेंगी। उनको जो राज मिला हुआ है वो राज देना है। आजकल तो राजा अभी प्रैक्टिकल में रानी समझो, शरीर छोड़ने से थोड़ा दिन पहले ही प्रिंस चार्ल्स को राजा बनाया। और वहां यही होगा कि कोई राज देने वाला आवे, ऐसी आत्मा कोई आए तो वो आत्मा को देने के ख्याल से वाले संस्कार, और लेने वाली आत्मा बिल्कुल न्यारे संस्कार, देने वाला भी न्यारा लेने वाला भी न्यारा, कोई बंधन नहीं है। तो इस प्रकार का निर्बंधन संबंध हमको नीचे ले आता है। दूसरी बात, हमारा पुरुषार्थ के आधार से हमने प्रकृति कितनी सत्व प्रधान बनाई है उस संबंध से आते हैं। तीसरा, हमारा हमारी जो क्वालिटी है जन्म लेने की, वो वर्चुज जो है वो पावर कितनी बन गई है। क्योंकि जो पहले बड़ी पावरफुल आत्मा होंगी वो ऐसे होंगे तो कोई साधारण व्यक्ति मनुष्य होंगे पर श्रेष्ठ कर्म वाले होंगे, श्रेष्ठ संस्कारों वाले होंगे। उनकी जो शक्ति है वो कलयुग के अंत तक रहेगी। राजा बनने वालों की, प्रजा के पास जन्म लेने वालों की शक्ति अनुसार उस अनुसार होगी। अभी मानो ये पर्दे हैं, अच्छा अगर शरीर के बने हुए हैं 15 साल 20 साल भी चलेंगे पुराने नहीं होंगे। खद्दर के बने हुए हैं फौरन जल्दी खद्दर के बने, चलो नाले जल्दी हो जाएंगे, धुलाई होने में फटेंगे कम। पापलिन के बने हुए या प्लास्टिक के बने, कागज के बने, यहाँ तो पड़ता पर जल्दी फट जाएगा ना। तो वो जो आत्माए राजा प्रजा दास दानी के साधार पर बनते हैं, ये अपने अभी की पुरुषार्थ की परिपक्वता पर आधार पर।
दृढ़ता के आधार पर, अचल अडोल स्थिति के आधार पर। तो अभी जो आत्माएं आ रही हैं वो पत्ते हैं, अभी उनको वो स्थिति तक जाना है, अगर सतयुग में आना है। अच्छा, तो उससे ये दो बातें सिद्ध हो जाती हैं कि ऐसे नहीं है कि हाँ, जैसे हम ये भी निराश हो जाए कि हमें हमारा चांस नहीं है, लेकिन हमारी पुरुषार्थ की इंटेंसिटी अगर उतनी है तो वो चांस भी है। जैसे स्कूल में कोई लेट दाखिल होता है और अच्छा पुरुषार्थ करता है, दिन रात फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, कोई पहले से चल रहा है पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, आज के बदले फेल हो जाते हैं। लेकिन दीदी आजकल क्या होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि जब ये आत्माएं आती है तो उनका फोकस ऐसे होता है कि देखो ये तो बड़े हैं, उनमें भी तो कमी है, तो हमारे में है तो क्या प्रॉब्लम है, हमें तो उसमें ये क्या संस्कार हुआ, पत्ते के संस्कार, दूर का चश्मा तेज है, नजदीक का चश्मा जो है वो ठीक है, अपने जज बनते हैं, दूसरों के जज बन गए, अपने वकील बन गए, तो वो क्वालिटी तो नहीं है। अगर उनकी दृष्टि और वृत्ति में गुणग्राही वृत्ति नहीं है तो सतयुग वाली सर्व गुण संपन्न होती है। तो दूसरों का गुण देखना भी बहुत, सर्व गुण संपन्न का मतलब ये नहीं कि 36 गुण 45 50 गुण, तो सर्व गुण संपन्न का मतलब है कि सबसे ग्रहण करने की दृष्टि मेरी है। बाबा हम बच्चों को क्या सिखाया, इतनी सारी सभा 20,000 बच्चे बैठे हैं और बाबा जो उनकी विशेषता वो ही देख के वर्णन कर रहे हैं, गुण ही दिखाई पड़ रहे हैं उनको, और हम आस पास देखते हैं ऐसे संस्कार वाले पापा इसको फरिश्ता देख रहे हैं, इसका मस्तक चमक रहा है, इसकी आंखों में रूहानियत दिखाई पड़ रही है, और मैं उस वक्त भी उनके गुण देख रही हूँ, बाबा को वही गुण दिखाई दे रहा है, हमको वो दाग दिखाई दे रहा है, सारी सारी चादर चिट्ठी है वो नहीं दिखाई पड़ती, एक छोटा सा दाग है ना वो दिखाई पड़ता है, सारी साड़ी अच्छी है, एक थोड़ा सा कोई बूंद चीज की तुम्हारी साड़ी गंदी है, हमारी दृष्टि गंदगी पर जाती है, गुण पर नहीं जाती। हम समझते हम होशियार हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है आपने जो बताई है ना, हम सचमुच सबको सुनने जैसी है कि जो आत्माएं सभी के गुण देखती है वो आत्माओं के लिए सर्वगुण संपन्न का गायन है। अच्छा, बराबर। और वही गुणवान बनती है, और वही गुणवान बनती है। और चौथा बात है उन आत्माओं का पार्ट उनको उस समय लेके आता है कैपेसिटी, आत्माओं की कैपेसिटी अनुसार ये आत्माएं उतरती हैं, अपना पुरुषार्थ जिनके साथ पुरुषार्थ करना है उनका साथ निर्बंधन स्थिति, सिर्फ संबंध है लेन और देन का। तीसरी बात है आत्मा ने गुण और शक्तियां कितनी धारण की हैं, और चौथी बात प्रकृति को कितना सपोर्ट उदाहरण बनाया। अभी जो आत्मा उतर रही हैं खुद की शक्ति भी कम है, प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो उनको एक थोड़े जन्म का सुख मिलता है, एक जन्म का भी नहीं मिलता है। अभी जो आत्मा उतरी, मानो किसी गरीब घर में जन्म लिया, बहुत मेहरबान हो गए सारी अफ्रीका में, भाई इथियोपिया में भाई बहुत बहुत गरीब भी थी, टेलीविजन में आया इन बच्चों के पास ना भोजन है ना कपड़ा है ना टॉयज है, एक ही दिन में भंडार हो गया। अब माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, बच्चे के पास तो फर्स्ट क्लास बूट है, फर्स्ट क्लास खिलौने हैं, फर्स्ट क्लास कपड़े हैं, तो बच्चा तो शाहूकार है, राजा बेटा है, माँ बाप तो गरीब है। तो उस आत्मा को तो मिला ना पहले जन्म में, परंतु फिर थोड़े समय के बाद वो अपने माँ बाप वाली हालत हो गई। सवाल ये सब बात कर रहे तो मुझे जानना कि जैसे बाबा हमेशा कहता था कि टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लग रहा है, बाबा हमेशा कहता है ना टू लेट का बोर्ड अभी तक नहीं लगा हुआ है, टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा हुआ, बाबा हमेशा कहता है, और
अगर आप देखोगे सारी मुरलियों में एक भी मुरली में ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है तो वो लग रहे हैं, पर बाबा तो अभी माता में नहीं है, तो ये कौन सा क्यों राज, अभी आप देखो, भले ये राज कैसे है? आता नहीं है, वो सबको पढ़ा दिए, हमने पढ़ा ही नहीं है, कोर्स तो पढ़ा दिया है ना, मैंने अगर होमवर्क किया ही नहीं है तो बाबा का क्या दोष। हाँ टीचर्स कोर्स करा के पूरा करता है, एग्जाम से पहले थोड़े दिन खाली होते हैं रिवाइज करने के लिए, टीचर पढ़ाता थोड़ी है, हमको ही पढ़ना है, एग्जाम से पहले भी कुछ दिन मिलते हैं तैयार करो ओ, तो ये हमें सिग्नल समझ जाना चाहिए कि अभी ये एग्जाम के पहले जो है वो ना। रिवाइज, फास्ट रिवाइज करके प्रिपेयर करने की टाइम दिया है बाबा ने। रिवाइज करने का मतलब उसको मैंने अपनाना है ना। हाँ दीदी, दीदी ने बहुत बार बताया कि प्रकृति को सतो प्रधान किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति को सत्व प्रदान किया है तो पहली प्रकृति, ये बाहर की प्रकृति नहीं है, पानी को मैं शुद्ध बनाऊं, हवा को शुद्ध बनाऊं, वो मैं उनको ठीक नहीं करने वाली हूँ, वो बेहद की प्रकृति है। जो प्रकृति मेरे अपने शरीर के साथ है, मेरे शरीर में ये पांच तत्व हैं और पांच तत्व में ये प्रकृति के अंग हैं, लाइट है, हीट है, साउंड है, टच हवा है, ये पांच तत्व जो मेरे को मिले हुए हैं बॉडी के रूप में, उस बॉडी में जो मेरे ऑर्गन्स हैं उनको मैंने दृष्टि को दिव्य बनाया है, वाणी को मधुर वरदानी बनाया है, मेरे कर्म में सबको सुख देने के संस्कारों में संस्कार भरे हैं, तो मेरी ये जो प्रकृति है इसको मैंने कितना शुद्ध बनाया है। दूसरा, मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ है जो दूसरे को मैं प्रेरणा दूं, इतना योगी सहयोगी बनाऊं, इसको कहते हैं प्रकृति को सत्व प्रधान बनाना। तब हर एक की प्रकृति उस प्रकार होगी तो उसी हिसाब से हमारा जो श्वास है उस अनुसार चलेगा, हवा जो हमारे अंदर जाएगी वो भी शुद्ध जाएगी, जो भेजेंगे बाहर वो भी श्वास भाई शांति का श्वास हुआ और एक है हाय दुख का श्वास हुआ, तो हमारे हमारे से जो एयर है, हमारा श्वास कैसा है, हमारा संकल्प कैसा है, हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी सुनने की दृष्टि भावना कैसी है, तो मेरे ये कान सत्व प्रधान बने हैं, सोने के बर्तन बने हैं, मेरी दृष्टि जो है वो दिव्य बनी है, रहम की बनी है, मेरी वाणी में महावाक्य अथवा वरदान है, मेरे कर्म में सबका भला है, इसको कहेंगे सत्व प्रधान बनना। जो कर्म हो वो सच्चा हो, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो, सत्व प्रधान प्रकृति। तो आजकल फिर वो प्रकृति भी, अभी हम तो अपनी अपनी ध्यान रखेंगे, दुनिया कैसे रखें, तो ड्रामा अनुसार दुनिया को भी चेतना है अभी कि हम अभी ऑटोमेटिकली, तरीका है ड्रामा को सत्व प्रधान बनाने का, योग सिखाना है तो हठ योग प्रचार हुआ, सबको योग 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 की बस इंटरेस्ट हुआ, ज्ञान सुनाने के नामे पर योग सुनने योग करने आएंगे। योग करने आएंगे, मेडिटेशन करने आएंगे, इसी बहाने उनके बाबा से संबंध भेटेगा, अपने आप को शांत करने का सब करने लगेगा, खान पान पहले था ना, तामसिक खाना है, मांस खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना है, जो भी है, अब वो वेगान बन गए, तो अभी तो पहले तो नहीं था, अभी हाँ वीगन का भी तो, अभी तो फैशन हो गई वीगन अभी की। तो फैशन क्या हुआ, बहाना है, ये ड्रामा है, ड्रामा माँ मदर ड्रामा अपनी युक्ति से प्रकृति को सत्व प्रधान बना बना रही है। हाँ तो जो पहले समझो जो खाते पीते थे जैसा अन्न होएगा वैसा मन होएगा, तो मन शुद्ध होएगा उनका भी अन्न शुद्ध होएगा, इसलिए अभी मीट भी छूट गया है, मांस भी छूट गया है, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का जो पहले चॉकलेट खाने का शौक था, अगर हम घर में चॉकलेट भी नहीं खाएंगे, इतना ध्यान रहा कि किसी को दुख नहीं देना है,
दुख देने वालों का भी दुख स्वीकार न करके दुख को दूर करने की आदत बना ली। हिंसक बनी तो हम डबल हिंसक बन रहे, वो सिंगल हिंसक हिंसक को जीतना चाहते हैं, हम डबल हिंसक हिंसक बन रहे। तो देवता धर्म बन गया तो उनकी पुरुषवार तो साधारण मनुष्य के पुरुषवार्थ में अंतर है, राजा प्रजा के पुरुषार्थ में प्रैक्टिकल में। अभी मैंने बिल्कुल क्लियर जवाब दिया कि ये जो मेरा शरीर है ये मेरी प्रकृति है ना, प्रकृति जीत बाबा कहते हैं। तो उस प्रकृति को नहीं, बाहर की प्रकृति नहीं, पहले मैं इस प्रकृति को बनाऊंगी तो भी मेरे श्वास जो होंगे, मेरी दृष्टि जो होगी वो इसको पावन बनाओगी, मैं नजर से न्याय कर रहा हूँ। इसलिए पहले अपने को मन बुद्धि संस्कार को और मेरी वृत्ति दृष्टि विचार व्यवहार और कर्म संस्कार वो जितना मेरा पवित्र बनाऊं। जैसे अभी है आप भोग लगाते हो, सारा पतीला उठा के नहीं रखते बाबा के, पतीला क्यों नहीं रखते? सारा पतीला शुद्ध हो जावे ना, भाई भोग लगता है इतना सब भोग रखते हैं उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाती है सारा पतीला भोग बनता। तो ये जो देवता धर्म भरी आत्माए है वो अपने आप का भोग लगा देती है भगवान को। तो उन आत्माओं के आधार से जो श्वास लेते हैं, जो बोलते हैं, जो मुस्कराते हैं, जो दृष्टि देते हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते प्रकृति शुद्ध होती है। ये प्रकृति का प्रकट है। बहुत गहराई से आपने बताया, बहुत गहराई से बताया, थैंक यू सो मच दीदी, आपने जो भी समय दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही गहरे प्रश्नों के उत्तर आपने आज दिए हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू दीदी।